नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच पहली बार वो शख्सियत जिसको हम लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे थे, हम लोग इस आंदोलन के लिए लगे हुए थे, जिसका नाम है बिंद प्रदेश को फिर से उन्नयन करना। अब हमारे बीच नारायण त्रिपाठी भैया हैं, चाहे इनको बिंद पितामह कहें चाहे बिंद पुत्र कहें। इन्हीं की वजह से जिस तरह से एक किसान होता है उसके खेत को लोग बाग अगर कब्जा कर लेते हैं और उसको देते नहीं है, तो उसका पुत्र जब बड़ा होता है तो प्रयास करता है कि हमको दोबारा वो खेत मिले। इसी पर हमारे भैया संघर्ष में लगे हुए हैं और आइए हम बात करते हैं कि अब भैया का आगे का क्या प्रोग्राम है। आगे का जो प्रोग्राम है बिंद के पुनर्निर्माण का है, इसके अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी तो मैं जन जागरण अभियान में लगा हूँ। 2 तारीख से मैयर से निकला हूँ, माई शारदा को प्रणाम करते हुए नर्मदा मैया के उद्गम स्थल और कंटक में प्रणाम किया और दोनों से प्रार्थना किया कि हे माँ, हे मैया, हमारे बिंद के तमाम नेता, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैया सद्बुद्धि दे कि अटल जी का सपना पूरा करें और हमारे बिंद का पुनर्निर्माण करें। बिंद के साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, तमाम आश्वासन देकर इसका विलय कर दिया गया बड़े राज्य में मध्य प्रदेश में कि छोटे राज्य सर्वाइव नहीं करेंगे। अब सर्वाइव जो हुआ है वो साफ दिख रहा है। बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, बिंद में दवाई की व्यवस्था नहीं है, सड़कें है नहीं, हमारे तमाम खनिज संपदा का अकूत भंडारण भरा होने के बाद भी इसका मात्र 15% रॉ मटेरियल का कुछ प्रोसेस होता है। यदि इसका 80% रॉ मटेरियल का प्रोसेस होने लगे तो बिंद प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा समृद्ध और आत्मनिर्भर बिंद कहलाएगा। अब जरूरत है कि बिंद प्रदेश बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, अटल जी के सपने में है, संघ की सोच में है, तो हमारे बिंद को बनाने में परेशानी क्या। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी कहता है कि यदि कोई अपराध करे, गलतियां करे, छल करे, कपट करे, धोखा करे, गाली गलौज करे, तो उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है। तो हमारे साथ छल कपट किया गया है। हम तो अधिवक्ताओं की मीटिंग में भी दूसर में किया मैं, और तमाम ये अपील कर रहा हूँ बिंद के अधिवक्ता साथियों से, कानूनविदों से, कि आप लोग एकजुट एक साथ होइए और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में तलाशिए कि कौन कहाँ ऐसा कहीं कोई धारा या कानून या एक्ट कहीं लिखा है कि जो हमसे छीन लिया गया वो कोर्ट के द्वारा भी हमें मिले, तो हमें उसकी भी तैयारी करना पड़ेगा। कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कहीं कुछ सिस्टम हो तो हमें बिंद का पुनर्निर्माण कराना है, या तो बिंद के पूरे नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद मिलके एक साथ हो जाए, नारायण त्रिपाठी को किनारे कर दे, काट दे, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह गृह मंत्री जी, इनके पास जाएं और ये बोले कि बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं, बिंद प्रदेश बना दीजिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा, तो बिंद प्रदेश तत्काल बन जाएगा। लोगों में कितना जोश है, लोगों में कितना उत्साह है, मजदूर वर्ग का जो हमारे एसटी वर्ग आदमी है वो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। सिगरौली वगैरह में यदि हमारे मजदूरों को काम दे दिया जाए तो एक भी मजदूर बेकार नहीं भागेगा, एक भी मजदूर बिना काम का नहीं होगा। मोरवा में गया, मोरवा में जो सिंगरौली में तमाम वहां भारी पड़ी चारों तरफ माइन, मोरवा का मजदूर बेचारा टकटकी लगाए देख रहा है कि ये हमारी खदानें हैं, ये हमारी जमीनें हैं, हमने देश के विकास के लिए सब जमीनें दे दी या हमसे छीन लिए बिना पैसा दिए, आज भी हम भटक रहे हैं मुआवजे के लिए, तो हमें कम से कम काम तो मिल जाए, हम अपने परिवार का भरण पोषण तो कर लें। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चाउर के नाम पर कब तक गरीब ठगा जाएगा, कब तक गरीब लूटा जाएगा, कब तक गरीब इस तरह वोट दे के सरकार बनाता रहेगा, कब तक ये झूठे चलेंगे। मेरे भांजी और भांजियों, मामा है और मामा जो किया है मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ, लोगों के खेत गिरवी हो गए, खेत नीलाम हो गए पढ़ाई लिखाई के लिए, मामा तो लोन का पैसा चुकता नहीं करता, बाप ही चुकता करता है। 12,000 रुपये में शौचालय, 12,000 शौचालय बनाने में 12,000 रुपये का रेत लग जाएगा। कभी कोई महंगाई के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, महंगाई की चर्चा नहीं कर रहा, पेट्रोल के दाम 100 के पार, डीजल के दाम 100 के पार, ये तमाम चीजें होने के बाद आज हमारे बिंद में एक स्टेडियम नहीं है जहां हमारे बच्चे खेल सके। तो जब न खेल कूद की व्यवस्था, न पढ़ाई की व्यवस्था, न दवा, रीवा में मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर को छोड़ के सब कुछ, शहडोल में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर नहीं है,
तो कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? अब लोग जागरूक हो गए हैं बिंद का पुनर्निर्माण कराने के लिए, बिंद बनेगा, इसके लिए जो जितना संघर्ष बनेगा वो सब कुछ करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि बिंद प्रदेश बनेगा, ये दावा हमारे भैया कर रहे हैं और हम सब लोग भी चाह रहे हैं कि बिंद प्रदेश बने। अब एक सवाल भैया हमारा और बन रहा था कि जो बिंद प्रदेश पहले था तो उसकी जो सीमाएं थी, तो कहते हैं सिंगरौली से, चूंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, सिंगरौली से दतिया तक की थी, उसमें बघेलखंड बुंदेलखंड सब शामिल था। तो आप लोगों का जो नया बिंद प्रदेश बनाने की आप मांग कर रहे हैं या उसी बिंद प्रदेश को वापस चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? देखिए ये टेक्निकल मामला है, ये कानूनी मामला है, मैं कानूनी लाइन से एक लाइन भी अलग हटके बात नहीं करूंगा। जो हमारा बेस है मैं उस बेस की बात करूंगा, इसमें कौन जुड़ेगा, कौन कटेगा, कौन जोड़ दिया जाएगा, पर सीमन होगा वो एक, ये 21वीं सदी का जमाना है, ये गूगल से सर्वे हो जाता है, तो वो जमाना खत्म हो गया कि एक लाइन खींच दो और बंटवारा कर दो, आधे दो चार दस घर उस प्रदेश में चले जाए, दो चार दस घर इस प्रदेश में चले जाए, अब वो जमाना खत्म हो गया है। मैं बिंद के पुनर्निर्माण की बात करता हूँ। अब इसमें जो मामला है महाकौशल प्रांत से, जो हमारे पूर्व स्पीकर साहब थे ईश्वरदास रोहाणी जी, उस सदन में बहस किए कि बिंद के लोग दिल बड़ा कर लें, महाकौशल को और सागर को अपने साथ जोड़ लें और बिंद का पुनर्निर्माण कर लें। बिंद बुंदेलखंड के सभी विधायक सदन में बहस किए, जितने जो बहस में शामिल हुए वो यही बात बोले कि बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब हम ये जोड़िए ये काटिए इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारा जो बेस था उस बेस पर हम कानूनी हक के रूप में अपना अधिकार मांगते कि हमारा बिंद प्रदेश इसलिए दे दो कि आप अभी प्रांत बनाने वाले हो, अटल जी के जमाने में प्रांत बने, हमसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आज आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे निकल गया है, जितने छोटे राज्य बने उन राज्यों का विकास हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लड़के बच्चे भी पढ़ें, हमारे यहाँ का जो किसान है वो अच्छे मजबूत किसान बन सके, उसको समय में पानी मिले, उसको समय में बिजली मिले, उसको समय में बुवाई कर पाए, तो और यहाँ का मजदूर भी चाहता है कि हमें अपने क्षेत्र में काम मिले, सिंगरौली जैसे इलाके में जहाँ तमाम अकूत खनिज संपदा है, बिजली पैदा होती है पूरे देश में जाती है पर वहीं के लोगों को बिजली नहीं मिलती, शहडोल में बिजली का एक प्लांट है पर वहीं के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, हमारे यहाँ भरी पड़ी बिजली होने के बाद भी महंगी दर पर बिजली का पेमेंट हम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें अब नहीं चलेगा, हम तो सिर्फ बिंद के पुनर्निर्माण की बात करें। तो भैया का ये कहना है कि जो बिंद हमारा चला गया था वही बिंद हमें चाहिए, उसी बिंद की हम बात करते हैं, और जो हमारी संपत्ति चली गई थी वह हमें फिर से वापस चाहिए, और जिससे बिंद का बराबर विकास, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है और छोटे राज्यों का विकास हुआ है, उसी तरह से बिंद प्रदेश का भी विकास हो और बच्चों के पढ़ने की लिखने की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो, भैया आपका यही कहना? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए। बिंद गान गा करके पूरे बिंद में बिंद की लहर जगाने वाले श्री अखिलेश द्विवेदी जी भी हमारे बीच हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है बिंद प्रदेश के बारे में। जैसा कि अभी हमारे मैहर क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी ने अभी अपने उद्गार प्रकट किए और मैं उनकी बातों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और सहमत हूँ कि मैहर क्षेत्र तो है ही बिंद प्रदेश में, बांधवगढ़ से टीकमगढ़ तक, जैसा कि मैंने अपने बिंद प्रदेश के गीत में गाया है, उस गीत के माध्यम से स्पष्ट होता है कि बिंद प्रदेश की सीमा हमारे बांधवगढ़ से और टीकमगढ़ तक थी। वही बात विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी ने कही है कि हमारा बिंद प्रदेश हमें वापस लौटा दो, जैसा हमारा बिंद प्रदेश था उसी तरह से बिंद प्रदेश को वापस कर दो। हम मेरा कहना यह है कि गीत के माध्यम से ही नहीं, क्रांति के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से बिंद की विरासत को एक बार पुनः जीवित किया जाए, क्योंकि हमारा बिंद बहुत धनी है। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि 80% यहाँ जो खनिज संपदा है उसका दोहन बाहर के राज्यों में हो रहा है, वहाँ जाती ही संपदा यहाँ की, जबकि यहाँ यदि यहीं इसी क्षेत्र में यदि खनिज संपदा का उपयोग किया जाए तो यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बिंद प्रदेश बने और बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने बिंद प्रदेश एडवोकेट एसोसिएशन का भी गठन किया है,
श्री राम जी पटेल जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इन लोगों की आगे की क्या रणनीति रहेगी। अरे धन्यवाद अनिल जी, आपके गुड़ न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए अभी भी नारायण त्रिपाठी जी से भी मेरी चर्चा हुई जिस संबंध जिस परिप्रेक्ष्य में, विंध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और उनका एक एक आप बहुत मोटी बात उन्होंने कही कि अभी तक सब लोग जो विंध्य प्रदेश के आंदोलन से जुड़े हैं उसमें एक कानूनविदों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। संबंध में दूसरे बताया मीटिंग भी किया उन्होंने, तो हम लोगों का यह है कि अब हम लोग इसको कानूनी रूप में भी जो है इसको असली इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ कानूनी पेचीदगियां जो है उसका भी अपन इस्तेमाल करेंगे, जन जागृत करेंगे, अधिवक्ताओं को संगठित करेंगे पूरे विंध्य प्रदेश के, और एक मजबूत लाइन लेंगे नारायण त्रिपाठी के साथ मिलकर, और निश्चित तौर पर हमारा विंध्य प्रदेश बनेगा। तो जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग कोई रीट भी दायर करने जा रहे हैं क्या? अब उसमें पहले हम सारे अपने अधिवक्ता एसोसिएशन जो विंध्य प्रदेश लायर एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, और भी हमारे जो बड़े सीनियर्स लायर हैं उनसे बात करेंगे, निश्चित तौर पर इसमें कुछ कुछ कानूनी कदम उठाएंगे नारायण त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में, उनको 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 साथ लेके जो भी जैसा होगा आगे की कदम उठाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि विंध्य प्रदेश का बनना लगभग तय है, चूंकि यदि अधिवक्ताओं का साथ, मध्य प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का साथ या विंध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं का साथ मिल जाएगा इस आंदोलन को, तो आप मान के चलिए कि कानूनी लड़ाई भी अपने पक्ष में होगी, विंध्य प्रदेश के पक्ष में होगी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब विंध्य प्रदेश को पुनर्निर्माण किया जा सकेगा। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।